राइट नाउ वी आर इन वेस्ट बंगाल रामपुर हाट विच इज माई होम टाउन एंड हम लोग हिमाचल से रामपुर हाट जल्दी आ गए थे. इट वॉज एन एमरजेंसी बिकॉज किसी का हेल्थ इशू था. शी वॉज नॉट वेल एंड उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर हो गया था. सो वी कुडंट टेक रिस्क फॉर माई बेबी. सो हम लोग जल्दी यहाँ आ गए. Today is 14th February and all of sudden we all planned to go Tarapit. So those who are from West Bengal, वो लोगों को already पता होगा कि Tarapit में माँ तारा का temple कितना ज़्यादा famous है. So हम लोग सब ready हो गए थे जाने के लिए और यहाँ मेरी छोटी सी बहन ready हो रही थी. So guys, stay tuned till last. हम लोग के घर से तारापीठ ज़्यादा टाइम नहीं लगता. इट टेक्स ओनली अबाउट 15 to 16 मिनट्स. तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं. ऑल टुगेदर वी वर 6 मेंबर्स, मी, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर एंड माय ग्रैनी एंड किजी. किजी फिर भी हाफ टिकट है, उसको चलो छोड़ दो. एंड किजी इज़ मासी. हिमाचल से यहाँ पे आने के बाद आई वॉज फीलिंग सो रिलैक्सिंग बिकॉज़ वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड था. तो यहाँ पे आने के बाद आई वॉज लिटिल बिट कम्फर्टेबल. एक्चुअली आई वॉज स्वेटिंग बिकॉज़ यहाँ पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है कंपेयरिंग टू माउंटेंस. तो ऑब्वियसली यू विल स्वेट. So this is the entrance of Tarapit. किजी वॉज इंजॉइंग अपने दादू के साथ और पीछे देखे जा रही थी कहीं इसकी मम्मा भाग ना गई. सो गाइज फाइनली हम लोग यहाँ तारापीठ पहुँच चुके थे. सो आज का दिन काफ़ी खास था क्योंकि आज प्रभु नित्यानंद का भी बर्थडे था. तो ये सारे लोग जो है प्रभु नित्यानंद के जन्म उत्सव मना रहे थे. ओके सो ये जो आप लोग देख रहे हो पंडाल लगा हुआ है और लाइट्स लगे हुए हैं. तो दिस इज़ द एग्जैक्ट एंट्रेंस जहाँ से हम लोग तारापीठ मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं. सो जैसे ही आप गेट से घुसोगे आपको दोनों साइड पे बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे और बीच में गली होगा जाने का. सो इन द शॉप्स यू कैन फाइंड गॉड जी का बर्तन, मतलब हर किस्म का बर्तन जैसे कि दिया हो गया या फिर प्लेट एंड ग्लास एंड वॉट नॉट. तो यू कैन ऑल्सो फाइंड बेबीज टॉयज एंड ऑल्सो मिठाई का शॉप्स एंड वॉट नॉट. मतलब बंगाल है तो मिठाई का दुकान तो हो गए, इट्स वेरी ऑब्वियस. आप शॉप से पूजा का सामान भी ले सकते हो लाइक फूलों का माला या फिर जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से लेकर आप खुद अकेले भी पूजा कर सकते हो. बट हम लोग पांडा लेंगे बिकॉज़ हम लोगों को पुष्पांजलि देना था. तो वहाँ पांडा मंत्र पढ़ेंगे और हम लोग रिपीट करेंगे एंड देन मंदिर में जाके हम लोग पुष्प चढ़ाएँगे. वेल हम लोग मंदिर जाने से पहले अपना फुटवेयर जो था वो उतार के जाने वाले थे. तो ये इसी शॉप में रखे थे जहाँ से हम लोग डाला चढ़ाने वाले थे. तो यहाँ किसी मस्ती कर रही थी और साइड में हम लोग का डाला रेडी हो रहा था जहाँ पे सिंदूर आलता चुन्नी और फूल का माला हर वो चीज़ जो माता का श्रृंगार के लिए लगता है हर एक चीज़ रखा था.
सो फाइनली दिस इज द मातारा टेम्पल जहाँ हम लोग पूजा करने वाले हैं। सो वी वर वेटिंग फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रश था। जो नॉर्मल लाइन था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो हम लोग इतना देर तक वेट नहीं कर सकते थे बिकॉज कीज ही हमारे साथ ही, तो हम लोग VIP लाइन लेकर साइड से चले गए थे पूजा करने। सो फ्रॉम फ्रंट व्यू इट्स ऑल डिजाइंड विद रेड ब्रिक्स एंड इनसाइड विद मार्बल्स। यहाँ पे किसी की नानी माँ उसको बोल रही थी जय जय करने एंड शी नोटिस माय मदर एंड शी वाज डूइंग द सेम। सो लाइन में लगने के बाद अब हम लोग अंदर जाने वाले थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और कैमरा अलाउड नहीं था अंदर, तो हम लोग जितना हो सके बाहर से ही शूट किए। यहाँ मैं अपने हाथ में आलता और फूल का माला लेकर खड़ी थी, मैं और मेरा भाई जो हम अंदर जाके माँ तारा को चढ़ाने वाले थे। अंदर घुसने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को पूजा करने में, सो हम लोग बाहर ही जो पुष्पांजलि का मंत्र होता है वो बोलेंगे और अंदर जाके पुष्प चढ़ाएंगे। सो गाइस अंदर जाके आपको इसी तारा माँ का मूर्ति मिलेगा और यहीं पे लोग पूजा करने आते हैं बहुत दूर दूर से। वो वीडियो करना अलाउड नहीं था, सो आई टुक द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। पूजा करके हम लोग बाहर निकल गए थे और आई वॉज जस्ट प्रेइंग फॉर कीजी कि वो हमेशा हेल्दी रहे। इस मंदिर के अलावा और भी बहुत सारे मंदिर थे तो हम लोग वहाँ जाने वाले थे पूजा करने के लिए। ये शिव जी का मंदिर है तो हम लोग यहाँ शिव को पूजा करने आए थे। वहाँ पे बेलपत्ता का माला मिल रहा था तो सोचे बेलपत्ता का माला चढ़ाए और साथ में गंगा जल। यहाँ पे हम लोग बजरंगबली मंदिर के सामने खड़े थे और कीजी बहुत बदमाशी कर रही थी। यहाँ पर सुदर्शन चक्र से छिन भिन होकर देवी सती का तारा गिरा था, इसीलिए इस जगह का नाम है तारापीठ।
यहाँ इस तालाब का नाम जीवित कुंड है, जिसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। सो हम लोग का पूजा कंप्लीट हो गया था और हम लोग स्टेयर से उतर रहे थे, बिकॉज इस साइड महाशमशान था और हम लोगों को वहाँ जाना था। यहाँ स्टेयर से उतरते ही आप लोगों को बहुत सारे नेटिव पीपल दिखेंगे, जो बिल्कुल एक लाइन से बैठे रहते हैं, जिनमें से काफ़ी सच में बहुत ज़्यादा एजड पीपल होते हैं, जिन लोगों को देखकर बहुत बुरा लगता है। लेकिन इनमें से काफ़ी यंग और हट्टे कट्टे भी लोग होते हैं, जो लोग जानबूझकर ये काम करते हैं। तो मेरी मम्मा प्लान करके आई थी कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाना है, और मम्मा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और मम्मी को पूरा घेर लिया गया था, तो मैं गई फिर सबको छुड़ाने। ये माँ तारा का सिद्धि पीठ है, जहाँ माँ तारा के भक्त जो थे बाबा बामदेव, उनको ये इसी जगह पे माँ तारा का दर्शन हुआ था। इस मंदिर में माँ तारा का चरण पादुका है। यहाँ पे आप कुछ भी सिद्धत से चाहोगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे पूजा करने के लिए भी काफी लंबा लाइन लगाना पड़ता है, तो लकीली हम लोग जल्दी आ गए थे। वहाँ पे मम्मा लोग लाइन पे लगी हुई थी एंड आई वॉज प्लेइंग विद केजी। यहाँ पे गीजी नीचे उतर गई थी और आजू बाजू जो भी थे उसके सबको हाई किए जा रही थी।
तो वहाँ पे पूजा करने के बाद हम लोग शमशान की तरफ निकल गए थे और कीजी पता नहीं अजीब सा फेस बना रही थी। यहाँ पे हम लोग आए थे क्योंकि यहाँ पे मेरे दादाजी और दादी जी का समाधि हुआ था, तो यहाँ पे आने से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं और प्रे करते हैं कि वो लोग ऊपर से ही सही लेकिन हम लोग के साथ रहे और खूब सारा आशीर्वाद दे ऊपर से। तो हम लोग का पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका था और अब हम लोग निकलने वाले थे जल्दी ही, क्योंकि हम लोग का प्लान था यहाँ से बिरचंद्रपुर जाने का, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और हम लोग जा नहीं पाए, रास्ता ब्लॉक हो चुका था। एंड फॉर दिस रीज़न हम लोग फिर घर के लिए रिटर्न हो गए थे। सो गाइज इनफ फॉर टुडे, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। सो बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग।